ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अक्सर बारिश के महीनों में इमारतें गिरने की खबरें सामने आती हैं, जिसमें लोगों की जान भी चली जाती है। मुंब्रा कौसा परिसरों में ऐसे कई इमारतें हैं जिन्हें मनपा ने धोखादायक बताया है। बारिश के महीने में खतरे को देखते हुए मनपा कमिश्नर संजीव जायसवाल ने सहायक आयुक्त महेश आहिर को अति धोखादायक जर्जर हो चुकी इमारतों को खाली कराकर तोड़ने का निर्देश दिया है और ये कार्रवाई रमजान के बाद शुरू होगी। मुंब्रा कौसा C1 कैटेगरी की 6 इमारतें हैं जो अति धोखादायक हैं, जिन्हें तोड़ने की बात सामने आ रही है। इसी तरह C2A कैटेगरी में 44 इमारतें धोखादायक हैं, जिन्हें नोटिस देकर खाली कर रिपेयरिंग करने को कहा गया है, जबकि C2B कैटेगरी की 308 इमारतें हैं जिन्हें खाली किए बिना रिपेयरिंग की जा सकती है। मुंब्रा प्रभाग समिति के अनुसार C3 कैटेगरी की 1083 इमारतों का आंशिक रूप से रिपेयरिंग होना है, यानी कुल मिलाकर 1441 इमारतें हैं। मनपा के तरफ से रमजान बाद कार्रवाई होगी। सहायक आयुक्त महेश साहिल ने कहा है कि खतरनाक इमारतों को खाली कराना जरूरी है। ऐसे में बारिश नज़दीक है और रमजान बाद इन 6 इमारतों को तोड़ा जाना तय माना जा रहा है। बॉम्बे कॉलोनी स्थित 2 इमारतों के तोड़ने की बात सामने आ रही है। इन इमारतों का नाम फैजान अपार्टमेंट और सुलेमान मंजिला है। ये दोनों 5 मंजिला इमारत हैं। इसी तरह ग्लोरियस स्कूल कौसा ग्राउंड फ्लोर और आशियाना बिल्डिंग जो 5 मंजिला MTNL के नज़दीक न्यू मुंब्रा इंग्लिश स्कूल है, साथ ही साईनाथ स्टेट चाल ग्राउंड फ्लोर, वहीं साईनाथ स्टेट चाल ग्राउंड +1 शमशाद नगर का भी है और 6वीं इमारत सुमैया चाल 3 मंजिला शिवाजी नगर में है। इन इमारतों को रमजान बाद महानगर पालिका के तरफ से तोड़े जाने की बात सामने आ रही है। करीब 2 दशक पुरानी नूरानी इमारत में ABC 3 विंग है, जिनमें से 84 फ्लैट 22 दुकान है, जिसमें मनपा ने 8 फ्लैट 4 दुकानों को सील किया है। 23 मई को नोटिस देकर मनपा ने सील किया, मगर जल्द ही और भी घरों को सील करने की प्रक्रिया पूरी होगी। इसी तरह से BK टावर के पास श्रीन अपार्टमेंट को भी अति धोखादायक बताया गया है, जिसमें 30 मकान और 6 दुकान है। अतिक्रमण विभाग के अमित गडकरी ने बताया है कि रमजान त्योहार होने की वजह से रहवासियों को मोहलत दी गई है, लेकिन रमजान बाद खाली कराने की मुहिम शुरू की जाएगी। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।